नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। आज रागगिरी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बेहतरीन कथक नृत्यांगना और उतनी ही बेहतरीन असमिया फिल्मों की अभिनेत्री मेघरंजनी से। मेघरंजनी जी, आपका रागगिरी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेघरंजनी, आपकी कला को समझने के लिए निश्चित तौर पर उसके दोनों आयामों पर अलग अलग बात करनी होगी, तो पहले शुरुआत कथक से ही करते हैं। और इस मामले में तो आप खुशकिस्मत रहीं कि माँ कथक से जुड़ी हुई थी, पिता वोकल से जुड़े हुए थे, वोकलिस्ट थे, तो वो जो बचपन में संगीत के संस्कार आने चाहिए वो बचपन से मिले, और शायद यही वजह है कि आपने सिर्फ 3 साल की उम्र से सीखना शुरू कर दिया था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे एक परिवार में जन्म दिया है जहाँ पे मेरी माँ मेरी गुरु है, नृत्य गुरु मोरामी मेधी, और मेरे पिता भी मेरे गुरु है, वो वोकलिस्ट है जयप्रकाश मेधी। ऐसा लगता है कि ऐसे एक परिवार में जन्म लेके मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने नृत्य को नहीं छुना पर नृत्य ने मुझे छुना, और मैं बहुत आभारी हूँ मेरे माता पिता के कि ऐसे एक परिवार में जन्म हो के जन्म से ही संगीत और नृत्य की जो माहौल है उस माहौल की बात ही कुछ अलग है। तो फिर जाने अनजाने से मैं 3 साल की जब थी तब से ही नृत्य को चाहने लगी, और वो चाहते चाहते मैंने नृत्य का तालीम लेना भी शुरू किया। मम्मा बोलती है कि मैं 3 साल से ही हाथ पैर चलाने की और नृत्य करने की कोशिश कर रही थी, और उसके बाद से 5 साल की उम्र में मेरा पहला परफॉर्मेंस था असम गुवाहाटी में, और तब से लगभग अभी 25 years ऑफ दिस जर्नी अभी चालू हो रही है, और बस नृत्य अभी एक मेरा जीवन बन गया है। मेघरंजनी जी, अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपना कोई नृत्य कर का हमें कार्यक्रम हमारे लिए दिखाएं और उसके बारे में बताएं भी। जी, एक्चुअली मैं और मेरे मम्मा जो हम कंपोजिशंस करते हैं उसके म्यूज़िक वोकल्स सारा कुछ मेरे पिता जयप्रकाश मेधी वही करते हैं, और काफ़ी कुछ प्रोडक्शंस हमने किया है, तो उससे सबसे एक मेरा सोलो प्रोडक्शन जो मुझे पसंद है और काफ़ी रीसेंट है वो है मीरा के ऊपर, मीरा बाय। तो वो एक 15 मिनट्स का सोलो प्रोडक्शन है, तो काफ़ी मुझे पसंद है, तो उसका थोड़ा सा झलक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं जा रही हूँ वीडियो के रूप से, आप देखिए। मुलाकात हुई, यानी इसको एक कलाकार के जीवन के दूसरे पक्ष की तरह से देखना चाहिए कि पहले शुरुआत में तो वो अपने घर में सीखता है, लेकिन उसके बाद जब उस कला को और निखार की जरूरत होती है तो वो पहुंचता है ऐसे गुरुओं के पास जो संभवतः कहा जा सकता है कि उसके ज्यादा बेहतर पारखी हो। तो आप पहुंची पंडित बिरजू महाराज के पास, और जो आप कथक कह लें या पंडित बिरजू महाराज कह लें, दुनिया में दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, तो वो मुलाकात कैसे हुई उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, उसके बारे में तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज जी जो फादर ऑफ कथक, भगवान है वो कथक के, और उनको एक्चुअली
उनके एक शागिर्द गुवाहाटी में विपुल दास जी, तो वो गुवाहाटी के हैं, तो उन्होंने एक बार गुवाहाटी में फर्स्ट टाइम महाराज जी की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था गुवाहाटी में। तो फिर मैं तब क्लास 7 स्टैंडर्ड में थी और कथक को बहुत अच्छे से कर रही थी तब। तो फिर मैं वो वर्कशॉप मैं ज्वाइन करने के लिए गई, क्योंकि विपुल दास जी मेरे मम्मी के कॉलेज भी थे, क्योंकि वो दोनों सेम ही कॉलेज में नौकरी करते थे और वो भी प्रोफेसर थे कथक के म्यूज़िक कॉलेज, स्टेट म्यूज़िक कॉलेज ऑफ गुवाहाटी, और मेरी मम्मी भी वहाँ पे सिखाती थी, वो भी प्रोफेसर थे। और फिर मैं जब वो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए गई तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भरा हुआ था उसमें, असम के काफ़ी जगहों से वो लोग आए थे महाराज जी के पास वर्कशॉप लेने के लिए। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड और नर्वस भी थी कि पहली बार महाराज जी को साक्षात देखने को एक मौका मिल रही है और उनसे सीखने के लिए मौका मिल रहा है, तो फिर वो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं और मम्मा की और बहुत सारे डिसाइपल्स वो वर्कशॉप में हमने ज्वाइन किया था। तो फिर उसके बाद से एक्चुअली एक महाराज जी के साथ और महाराज जी के पूरा परिवार के साथ एक रिश्ता जो बन गया वो वर्कशॉप के बाद। पहले मैं उस वर्कशॉप में जब सब लोग बच्चे खड़े हुए थे तो मैं थोड़ा सा पीछे खड़ी हुई थी, आई मीन इन द फोर्थ और फिफ्थ लाइन, क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस भी थी और फिर ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्मार्ट होके जाके पहली लाइन में खड़े होके, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। तो फिर फर्स्ट डे के बाद जो सेकेंड डे उन्होंने जो सिखाया था मैं कर रही थी, तब महाराज जी ने मुझे उस लाइन से उन्होंने बुलाया कि तुम जो पहन रही हो पिंक छुरीदार, प्लीज़ आप सामने लाइन में आ जाओ, बीच में आ जाओ, आज से तुम यहाँ पे खड़ी रहोगी। तो फिर मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई कि महाराज जी ने मुझे नोटिस किया और उन्होंने बुलाया सामने, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और वो वर्कशॉप से बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी बारीकियाँ कथक की, नज़ाकत, नफासत, जो ग्रेस है, जो अभिनय है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। और उसके बाद एक्चुअली ये शायद मेरे लाइफ की एक टर्निंग पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ वन ऑफ माई टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माई लाइफ। साधना फेस्टिवल जो महाराज जी के कलाश्रम की तरफ से हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, अभी भी करते हैं, और यंग जो कथक डांसर्स हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं वो लोग। तो फिर उस साल की नेक्स्ट ईयर शाश्वती दीदी का फ़ोन आया, वो भी थे वर्कशॉप में यहाँ पे, सो दीदी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और दीदी का फ़ोन आया मम्मा के पास कि मेघरंजनी को साधना फेस्टिवल के लिए हम उसे सिलेक्ट किया है, तो उनको बुलाना चाहते हैं 45 मिनट्स की परफॉर्मेंस के लिए दिल्ली में त्रिवेणी ऑडिटोरियम। तो फिर वो एक, मतलब क्या बोलूँ कि महाराज जी के एक फेस्टिवल में उनकी ऑर्गेनाइजेशन से किए हुए, और तब मैं क्लास 8 में 8 स्टैंडर्ड में आ गई थी, तो पहला कार्यक्रम था मेरा दिल्ली त्रिवेणी ऑडिटोरियम में। तो तब से जब मैंने वो परफॉर्मेंस दिया तो उसके बाद से महाराज जी के साथ, महाराज जी के पूरे परिवार के साथ, दीदी के साथ काफ़ी एक अच्छा रिश्ता बन गया। तो उनको हम बुलाते रहते हैं यहाँ पे वर्कशॉप्स के लिए, और जहाँ भी वो जाते हैं, काफ़ी बार हमने, मैं, मेरे मम्मा ने जाके उनके वर्कशॉप्स अटेंड किया है, क्योंकि वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, पूरा साल वो घूमते रहते हैं फेस्टिवल प्रोग्राम्स के लिए, और काफ़ी जगहों में वो वर्कशॉप्स लेते हैं, कलकत्ता, मुंबई, बरमपुर। फिर तो महाराज जी जहाँ जहाँ जाते थे तो हम भी वहाँ वहाँ पहुँच के ऐसे जितना तालीम ले सके तो वो लेने की कोशिश कर रहे, कोशिश जारी है। एक और कोई कार्यक्रम मेघरंजनी अपना हमारे दर्शकों के लिए अगर आप दिखाएं और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी वो भी बताते चलिए। Get up.
आपने एक बड़ा फैसला किया और आपने गुरु के तौर पर आपने चुना पंडित राजेंद्र गंगानी जी को, जो जयपुर घराने के बड़े कलाकारों में शुमार हैं। तो ये बदलाव किस लिए किया, पहला सवाल। और इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि क्या फर्क दिखाई दिया आपको जयपुर घराने की जो कथक की तालीम है उसमें? एक्चुअली पहले के जमाने में शायद ऐसा होता था कि मैं लखनऊ घराने से सीखी हूँ तो मैं लखनऊ घराने ही पूरी ज़िंदगी करूँगी, या मैं जयपुर घराने की हूँ तो मैं जयपुर घराने करूँगी। पर आजकल इट्स यूनिवर्सल। कथक मैं कथक नृत्यांगना हूँ तो मैं कथक की हर एक घराने की चीज़ें मुझे पसंद होती है। जो लखनऊ घराने की नज़ाकत नफासत, जो क्रेज है, जो अभिनय है, उसके बाद कुछ अलग है। जयपुर घराने की खासियत कुछ अलग है। उसमें जो तैयारी होती है, जो फुटवर्क होते हैं, जो चक्कर होते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और तो इसीलिए मुझे थोड़ा कुछ जयपुर घराने की चीज़ें भी सीखने का बहुत ज़्यादा मन था। तो फिर इतने बड़े गुरु पंडित राजेंद्र गंगानी जी, तो उनको हमने हमारे इंस्टीट्यूशन में 2 साल लगभग, ये कोविड से पहले की 1 साल और उससे पहले 1 साल हमने उनको दो बार बुलाया था हमारे इंस्टीट्यूशन में वर्कशॉप लेने के लिए। और राजेंद्र गंगानी जी की बहुत ज़्यादा मैं फ़ैन हूँ उनकी नृत्य का। और काफ़ी एक ड्रीम था कि उनसे कभी मिलूँगी, कभी उनसे थोड़ा कुछ सीखूँगी। तो फिर उनको हमने बुलाया यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। पंडित जी की बात मैं क्या करूँ, वो इतने सॉफ्ट हार्टेड, ग्राउंडेड पर्सनालिटी की गुरु है। और बहुत अच्छा लगा उनसे थोड़ा बहुत जयपुर घराने की चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आप जो घराना बचपन से कर रहे हो तो उसका एक स्टाइल जो है वो बैठ जाता है अपने बॉडी में, शरीर में। तो फट से एक अलग घराने के स्टाइल लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर उसके तो एक दो सुंदर चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये मेरा बहुत अच्छा मन था कि मैं जयपुर घराने की भी थोड़ा कुछ सीखूं। तो इसीलिए गुरुजी को हमने बुला के यहाँ पे वर्कशॉप रखी थी। तो अभी भी गुरुजी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं हम, और मौका मिलेंगे तो फिर से उनको बुलाएंगे गुवाहाटी में वर्कशॉप लेने के लिए। जी सही कहा आपने, और यही कहा भी जाता है कि जो जयपुर घराने की कथक की तालीम है उसमें ज़्यादा जो है भक्ति पक्ष जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है। खैर हम आते हैं, आपने बहुत सारे देश विदेश में कार्यक्रम किए हैं मेघरंजनी, लेकिन और अभी तो ये शुरुआत हुई है सही मायनों में कहा जाए तो, लेकिन मैं कुछ ऐसे कार्यक्रमों से जुड़ी आपकी यादों के बारे में जानना चाहूँगा। एक दो ऐसे कार्यक्रम जो आप कभी भूलेंगी नहीं, वो किसी कुछ ऐसा हुआ हो, किसी की ऐसी तारीफ मिली हो, क्या कुछ ऐसा याद आता है जब आप अपने पुराने कार्यक्रमों की यादों को ताज़ा करती हैं तो? जी एक्चुअली एक बात मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जो नृत्य का जर्नी है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गुरु को मुझे मिलने का मौका मिला है, उनसे सीखने का मौका मिला है। और गुरु कुमुदिनी लाखिया जी, तो उनकी कोरियोग्राफी में मैंने कनाडा में 2010 में एक डांस ड्रामा ताज, तो वहाँ पे मैंने मुमताज़ का जो कैरेक्टर है वो डांस के थ्रू से पोर्ट्रे किया था। और वो पूरा जो डांस ड्रामा था वो गुरु कुमुदिनी लाखिया जी ने कोरियोग्राफ किया था। तो उनके साथ पूरे 1 महीना मैं कनाडा में थी और
उनके साथ जो तालीम था, वो जो प्रोडक्शन की समय पे जो मैंने उनसे सीखा, वो ज़िंदगी में मैं नहीं भूल सकती, कि काफ़ी कुछ ज़िंदगी के लिए मैंने सीख लिया एक्चुअली एक महीने में। तो वो एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माय लाइफ है, जो मेरा पहला विदेश परफॉर्मेंस 2010 कनाडा में, वहाँ पे लुमिनाटो डांस फेस्टिवल, वो एक थिएटर जहाँ पे ये फेस्टिवल हुआ था, और वहाँ पे मैंने मुमताज़ का कैरेक्टर किया था ताज में। और उसके बाद और एक कार्यक्रम जो मेरी ज़िंदगी के मतलब और एक टर्निंग पॉइंट है, जब मैं 2010 में उसी साल एक्चुअली मैं ICCR की पैनल आर्टिस्ट सिलेक्ट हुई थी, और फिर 2014 में मुझे मेरा पहला सोलो टूर एज एन एम्पैनल आर्टिस्ट न्यूजीलैंड में प्रस्तुत करने का मौका मिला था, वहाँ पे दिवाली फेस्टिवल ऑकलैंड और वेलिंगटन में। तो ये एक मतलब काफ़ी देश अभी घूमी हूँ, 8-10 देश जहाँ पे अलग अलग कार्यक्रम किया है अलग अलग फेस्टिवल्स में। तो ये दोनों मेरे लिए बहुत यादगार परफॉर्मेंस रही है, और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मेरे गुरु से भी मिला है। मैं मामा के साथ भी एक बहुत बड़ी फेस्टिवल इजिप्ट में, फेस्टिवल ऑफ नाइल, तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस किया है, और काफ़ी अच्छा है ये जर्नी अभी चल रही है। मेघरंजनी जी, आप इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आते हैं, और जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि दोनों पक्ष को समझना पड़ेगा, ये अभिनय पक्ष जो आपका है ये कहां से आया? नृत्य घर में था, संगीत घर में था, लेकिन एक्टिंग करनी है, ये शौक कैसे शुरू हुआ था? काफी अच्छा लगा मुझे ये प्रश्न। एक्चुअली मेरे साथ कुछ अलग हुआ है, क्योंकि मैं अभिनय को पहचानती थी डांस के जरिए से, और काफी बचपन से मैंने अभिनय देखा है मेरे गुरुओं को करते हुए। तो फिर मुझे जब मैं ऑन स्क्रीन अभिनय करने के लिए मैं गई, तो डांस की जो अभिनय है उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, और स्पेशली कथक का जो अभिनय है, सिर्फ अभिनय ही नहीं, नृत्य अंग जो है वो काफ़ी नेचुरल है, काफ़ी सॉफ्ट है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि काफ़ी ज़्यादा कुछ है। और जो भी हम देखते हैं, जैसे कि हम ये बर्ड है, जैसे कि ये पेड़ है, तो काफ़ी नेचुरल है, और देखने का भी जो तरीका है काफ़ी नेचुरल है। तो उससे मुझे ऑन स्क्रीन अभिनय करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी, कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि वो नेचुरल, स्टेज पे भी नेचुरल है, और ऑन स्क्रीन जो हम करते हैं वो तो हमें नेचुरली करना है, उसमें हम कभी ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हुई है नृत्य से ऑन स्क्रीन अभिनय करने के लिए। और फिर आपने तो बकायदा कई फिल्मों में प्रोफेशनल एक्टिंग की है, प्रोफेशनल अभिनय किया है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब पहली बार आपके पास कोई एक्टिंग का प्रस्ताव लेकर आया, तो आपने किस तरह से रिएक्ट किया? क्या आप तैयार थी उसके लिए, या आपके लिए वो जो प्रस्ताव था वो चौंकाने वाला था, क्या कुछ याद आता है? जी, मैंने आपको अभी बोला ही है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी थी जब मैं स्कूल मतलब 9-10 स्टैंडर्ड में थी, तब से अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे थे, पर तब मैंने सोचा नहीं था, और तब थोड़ा सा पढ़ाई के साथ भी बिज़ी थी। फिर मम्मी पापा ने बोला कि अगर 10th पास करके आगे जब तुम कॉलेज में जाओगी, तब अगर तुम्हें करना है तो तुम चूज़ करके कर सकती हो। तो फिर जब मैं कॉलेज पे आई, तो मैंने आपको बोला ही है कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था, मेरी पहली वीडियो फिल्म लक्ष्मी। तो वो वीडियो फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वो मुझे काफ़ी पसंद थी, और तब मेरे एज के साथ भी जो स्टोरी था वो मैच कर रहा था, और वो जो डायरेक्टर थे वो भी काफ़ी अच्छे डायरेक्टर थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे स्टार्ट कर लूँ, और वो राइट डिसीशन ही था, क्योंकि जब से मैंने वो स्टार्ट मतलब जब मैंने वो वीडियो फिल्म किया, तो लोगों का जो प्यार था, और पूरे असम में मुझे लोग जानने लगे थे, और अभी भी ऐसा होता है ना कि एक क्लिक होती है, यू नो कभी फिल्म फिल्म लाइन में ऐसा होता है कि एक क्लिक
जब हो जाता है तो उसी से लोग अभी भी, अभी 10-12 साल हो गए उसके लिए, तो अभी भी लोग मुझे वही नाम से पहचानते हैं। जब मैं छोटे शहरों में जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, तो वो लोग अभी भी उस नाम से मुझे, उस कैरेक्टर से अभी भी पहचानते हैं। और उसके बाद मैंने 6-7 साल काफ़ी काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में, मूवीज़ किया है, म्यूज़िक वीडियोज़ किया है, ब्रांड शूट्स किया है, और साथ साथ में डांस का जर्नी जो है वो तो है ही, और अभी डांस ही डांस है। और एक्टिंग का तो सीधा मतलब ये भी है, कलाओं के जो अंतर संबंध पर अक्सर मैं बात करता हूं अपने कलाकारों से, कि कथक का जो भाव पक्ष है वो आपका बहुत स्ट्रांग होगा, तो क्या अभिनय जो आप प्रोफेशनल फिल्मों में करती हैं उसकी मदद मिलती है कथक में, जब आप स्टेज पर कोई प्रस्तुति दे रही हो तो? नृत्य में ही अभिनय है, तो अभिनय तो मैं पहले से ही करती थी और अभिनय काफ़ी पसंद है मुझे। पहले स्टेज पे करती थी, फिर बाद में स्क्रीन पे भी करने लगी। एक्चुअली ये बात बोलना पड़ेगा कि मेरी माँ भी अभिनेत्री थी, पर बाद में उन्होंने थोड़ा सा अभिनय से सिर्फ डांस में उन्होंने प्रोफेशन उनका कर लिया। और क्योंकि हम मम्मी अभिनेत्री थी, तो एसमिस फिल्म इंडस्ट्री की फ्रेटर्निटी जो है वो हम बचपन से जानते थे, हम आना जाना रहता था। तो वैसे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास करके कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तभी से थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे थे वीडियो फिल्म्स के लिए, मूवीज़ के लिए, म्यूज़िक वीडियोस के लिए। तो मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं ऑन स्क्रीन भी अभिनय करूँगी, क्योंकि मैं डांस के साथ इतना जुड़ी हुई थी, तो डांस पढ़ाई दोनों साथ साथ में, और ये बात कभी मन पे आया भी नहीं था। पर जब वो अपॉर्चुनिटीज़ आने लगे, क्योंकि मैं अभिनय पसंद करती थी, मुझे अच्छा लगता था अभिनय करना, तो एक काफ़ी अच्छा मौका मिला था, जहाँ पे मुझे स्टोरी वगैरह भी पसंद आया। जब मैं कॉलेज पे एडमिशन मैंने लिया, तो फिर मेरे मम्मी पापा ने भी बोला, अगर तुम्हें करना है तो करो, ये तुम्हारा मन है, हम उसमें कुछ कुछ नहीं बोलेंगे। तो मुझे वो पसंद आया और मुझे करने का मन था, तो मैंने सोचा कि हाँ एक बार ऑन स्क्रीन भी करके कैसा लगता है वो करके देखते हैं। तो फिर मैंने वो वीडियो फिल्म किया, तो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया मुझे, तो अभिनय की जो लाइन है वो वैसे शुरू हो गई, और नृत्य अभिनय दोनों साथ साथ में अभी भी मैं करती हूँ। अभी थोड़ा सा कम करती हूँ, अभी डांस में ज़्यादा वक्त समय देती हूँ, पर अभिनय भी मुझे बहुत पसंद है। मेघरंजनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने रागगिरी के लिए समय निकाला, और हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि आपका संगीत का सफर, आपके नृत्य का सफर और आपका अभिनय का सफर, इन कलाओं में जो अंतर संबंध है वो और मजबूत हो, और आप एक और सशक्त अभिनेत्री, सशक्त नृत्यांगना के तौर पर अपनी पहचान बनाएं, ऐसी हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, आपने इतना अच्छे से मुझे प्रश्न किया, और अगर मैंने कुछ भूल मुझसे हुई है, क्योंकि लैंग्वेज में हो सकती है, क्योंकि मैं आसमीज हूँ तो हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ, और बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।